इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन से पहले मेगा ऑक्शन का आयोजन होगा। आईपीएल 2025 की नीलामी इसी साल होनी है। इससे पहले सभी 10 टीमों को अपने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी। मौजूदा नियमों के हिसाब से एक टीम ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकती है। इस बीच मुंबई इंडियंस के खेमे से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई इंडियंस मेगा ऑक्शन से पहले अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देगी। इसके साथ ही फ्रेंचाइजी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को लेकर भी रिलीज करने की बात कह रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की नीलामी में ईशान किशन को करीब 15 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि अब मुंबई इंडियंस अपने कप्तान हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन दोनों को रिलीज कर सकती है। इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी मुंबई इंडियंस। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को रिटेन करेगी। साथ ही रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के अगले कप्तान हो सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्रेंचाइजी हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेकर सूर्य कुमार यादव को देगी। अब देखते हैं कि रिटेन के नियम्स में क्या बदलाव हैं। आईपीएल के अभी तक के नियमों के हिसाब से कोई भी टीम मेगा ऑक्शन से पहले ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती थी। हालांकि इस बार इस नियम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ टीमें 8 खिलाड़ी रिटेन करने की मांग कर रहे हैं। फिर ऐसी खबरें आ रही है कि आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल सभी टीमों को 5 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति दे सकती है।